हेलो फ्रेंड्स, बिहारी फूड साला में आप सभी का स्वागत है। ये हरी हरी पालक देख के शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज हम पालक पनीर बनाने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आज हम पालक पनीर बनाने वाले हैं। सबसे पहले हमने पालक को अच्छे से 6-7 पानी से धुल लिया है। उसके बाद हम पालक को अच्छे से काट लिए हैं। अब हमें पालक को बॉयल करना है, उसके बाद हम पालक को पीस लेंगे। फिर आगे हम आपको बताते हैं कि हमें क्या करना है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमने पानी को गर्म कर लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मीडियम गर्म करना है, क्योंकि हमें पालक डाल के भी इसे 2 मिनट बस अच्छे से बॉईल करना है। तो हम इसमें पालक अपना ऐड कर रहे हैं। हमें पालक को बस 2 से 3 मिनट ही इसमें बॉईल करना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमने अपनी सारी पालक इसमें डाल दिया है, बस इसे हमें 2 से 3 मिनट बॉईल कर लेना है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, 2 से 3 मिनट बाद पालक अच्छे से बॉयल हो गया है। अब इसे हमें स्ट्रेन कर लेना है, ज़्यादा नहीं, बस इसे 2 से 3 मिनट ही हमें बॉयल करना है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमने अपने पालक को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, उसका पेस्ट बना लिया है। हमने पनीर को भी घर पे ही बनाया। अगर आपने आपने नहीं देखा है हमारा वीडियो कि घर पे पनीर कैसे बनाते हैं, तो उसे ज़रूर देखें। हम उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप ज़रूर उसे चेकआउट करिएगा। और अब हमने क्या क्या मसाले लिए हम बता देते हैं। अदरक, लहसुन, प्याज, 2 लाल मिर्च, साबुत जीरा, कस्तूरी मेथी, लौंग, इलायची, जावित्री, दालचीनी, ये सब हमने सूखे मसाले लिए हैं। अब सबसे पहले हमें पनीर, जो हमने पनीर लिए हैं, उसको अच्छे से हमें मैरिनेट करना है। तो हम आपको दिखाते हैं कि पनीर को हम किस चीज़ से और कैसे मैरिनेट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसे, हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक मिलाकर इसे अच्छे से मैरिनेट कर देना है। उसके बाद इसे हम हल्का सा घी डालकर फ्राई कर लेंगे। इसे हमें सब अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। तो आप देख रहे हैं कि ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। बस इसे अब हमें फ्राई कर लेना है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई थी, तो उसमें हमने 2 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने जो मैरिनेट करके पनीर रखा है, उसको हम इसमें फ्राई कर लेने वाले हैं। तो हम धीरे धीरे अपनी पनीर को इसमें डालने वाले हैं और उसके बाद अच्छे से इसे हल्का ब्राउनिश होने तक हमें इसे फ्राई करना है। कुछ ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसे हल्का ब्राउनिश होने तक हमें इसे फ्राई करना है, बस 2 से 3 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, जिसमें हमने पनीर को फ्राई किया था, उसी कढ़ाई में अब हम तेल डालने वाले हैं। अब हम अपनी सब्जी बनाना स्टार्ट, पालक पनीर बनाना स्टार्ट करने वाले। तो सबसे पहले इसमें हमें सरसों तेल ऐड करना है। आप जो भी तेल खाते हो वो ऐड करें, हम लोग सरसों तेल खाते हैं तो हम वही ऐड करें। मैंने लगभग 2 टेबल स्पून सरसों तेल लिया है, बड़े वाले स्पून से। अब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद हम इसमें साबुत मसाले डालने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो उसमें सबसे पहले हम 1 पिंच हल्दी ऐड करने वाले हैं। हल्दी इसलिए दोस्तों सरसों तेल में, गरम सरसों तेल में ऐड करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि अगर आप हल्दी ऐड कर दीजिएगा ना, तो जैसे हम प्याज डालते हैं या साबुत मसाले डालते हैं, तो उससे कभी कभी ऐसा होता है ना कि छींटा आने लगता है। तो हल्दी डाल देने से उसमें छींटा नहीं आएगा, और अगर गरम तेल में हम हल्दी डालते हैं तो उससे सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये दोस्तों था आज टिप ऑफ द डे। तो आप जब भी सबसे पहले कोई भी सब्जी बनाए, कुछ भी बनाए, तो सबसे पहले तेल गर्म होने के बाद उसमें 1 पिंच हल्दी डाल दें, उससे छींटा भी नहीं पड़ेगा और सब्जी का कलर भी अच्छा होगा। अब हमारी तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गई है, सबसे पहले उसमें हम जो हमने साबुत मसाले लिए थे वो ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले हमने उसे ऐड कर दिया है। उसके बाद आप देख रहे हो कि इसमें से छींटे नहीं आ रहे हैं,
इसके बाद हम जैसे ही सारे साबुत मसाले अच्छे से चटक जाए, हमें सबसे पहले इसमें प्याज ऐड कर दिया है। तो हमने प्याज को अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया है दोस्तों, और अब हम इसमें सारे प्याज ऐड करने वाले हैं। प्याज ऐड करने के बाद हमें कुछ इसे अच्छे से चला लेना है। प्याज को हमें हल्का ब्राउनिश होने तक फ्राई करना है। तो इसे कुछ हम 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। तो बस दोस्तों, 2 से 3 मिनट बाद आप देख रहे हैं कि प्याज का कलर कुछ चेंज हो चुका है। इसमें जो हमने हल्दी ऐड किया था ना तेल में, सबसे पहले उससे प्याज का कलर कुछ येलो और कुछ ब्राउनिश टाइप का आपको दिख रहा होगा। तो हमारी प्याज ऑलमोस्ट अब लगभग फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्च ऐड करने वाली हूँ। तो अदरक लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड किया। मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट पर्सनली बहुत पसंद है। मैं कोई भी सब्जी या दाल हो, कुछ भी मैं फ्राई करती हूँ तो अदरक लहसुन के पेस्ट के बिना तो कभी नहीं करती। और जैसे ही हम इसको तेल में डालते हैं तो इसका जो स्मेल पकने पे जो धीरे धीरे स्मेल आता है ना, बता नहीं सकती हूँ कितना बढ़िया आता है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट जब भी आप डालें तो हल्का सा प्याज को साइड करके बीच में डालें। अब इन सबों को भी हमें कम से कम 2 से 3 मिनट ढककर पका लेना है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, 2 से 3 मिनट बाद प्याज अदरक लहसुन सब अच्छे से भुन चुका है। इसमें से अब तेल भी छोड़ने लगा है और इसका कलर भी अब चेंज हो गया है। तो हमें इसमें अपने मसाले ऐड करने हैं, जो मसाले हमने घर पे ही ब्लेंड किया है। हम कोई भी मसाला, अगर वो पाउडर मसाला हो या कोई पेस्ट मसाला हो, हम इसे सारे मसाले को घर पे ही तैयार करते हैं। तो आज ही हमने घर पे ही तैयार किया है। तो इसमें जीरा है, धनिया है, काली मिर्च है, लाल मिर्च है, हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, सारे को हमने ब्लेंड करके अच्छा सा पेस्ट बना दिया है। अब हमने अपने मसाले को इसमें ऐड कर दिया है दोस्तों। मसाले को भूनने में कम से कम हमें 7 से 8 मिनट का टाइम देना होता है, क्योंकि जब तक मसाला पकेंगे नहीं तब तक वो अच्छा स्वाद नहीं आएगा। तो हमें मसाले को कम से कम 7 से 8 मिनट तक पकाना है। हाँ दोस्तों, जब भी हम मसाला को पका रहे हैं तो उसमें हमें 1 पिंच नमक ऐड कर देना चाहिए, जिससे कि मसाला जल्दी पक भी जाता है और इसका स्वाद भी अच्छा आता है। तो मैंने इसमें अब नमक ऐड कर दिया, इसे अच्छे से मिला के अब हमें इसे 7 से 8 मिनट के लिए या तो आप ढककर पकाएं या तो आप खुले, अगर आप ढककर पकाएंगे तो वो जल्दी पकेगा और ओपनली पकाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा पकने में। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप इसे ढककर पकाएं, 6 से 7 मिनट तक ढककर पकाएं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि 6 से 7 मिनट बाद हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, उसमें से तेल भी अब छोड़ने लगा है। तो इसमें अब हमें टमाटर ऐड करना है। टमाटर भी हमने ब्लेंड कर लिया है। आप चाहे तो उसे रफली चॉप करके भी काट सकते हैं या चाहे तो ब्लेंड करके भी, बट ये पालक पनीर है तो इसमें ब्लेंड किया हुआ ही ज्यादा अच्छा लगेगा। हमने अब टमाटर का प्यूरी भी इसमें ऐड कर दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे भी कम से कम हमें 5 मिनट आप ढक के पकाएं या ओपनली पकाएं, एज यू विश, हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, 5 से 6 मिनट बाद हमारा मसाला पूरे अच्छे से भूनकर तैयार है। इसमें से आपको दिख रहा होगा कि तेल भी अब छोड़ने लगा है, मतलब हमारा मसाला पूरी तरह पककर तैयार है। तो बस इसमें हमने जो पालक का पेस्ट बनाया है उसे हमें इसमें ऐड कर देना है। तो हमने पूरा पालक का जो पेस्ट बनाया था उसे हमने इसमें ऐड कर दिया और अच्छे से अब इसे हमें मसाले जो हमने पकाए थे पहले से और जो हमने पालक का जो पेस्ट बनाया था उसे अच्छे से एक साथ मिला लेना है। कुछ इस तरह से हमें अच्छे से इसे इन दोनों को एक साथ मिक्सअप कर देना है। इन दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद दोस्तों हमें इसमें हल्का सा पानी ऐड करना है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी, हाफ कटोरी इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इसे हमें हाई फ्लेम पे कुछ 5 से 7 मिनट तक पकाना है। मैंने अपने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है। अब हमें इसे
7 से 7 मिनट तक पकाना है। अभी दोस्तों इसमें हमें नमक भी ऐड कर देना, आप जितना नमक खाते हो उतना ऐड करें। हम इसमें 2 टेबल स्पून नमक ऐड करने वाले हैं छोटे वाले स्पून से, और नमक ऐड करने के बाद इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे और इसे हमें हाई फ्लेम पे ही पकाना है। अगर आपको बीच बीच में ये थोड़ा सा लगे कि इसमें पानी ऐड करना है तो आप इसमें बीच में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसे हमें अब हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। तो 5 से 7 मिनट बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि जैसा हमारा ग्रेवी अब अच्छे से बनकर तैयार है, ये पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब हमें इसमें अपना पनीर ऐड करना है, जिसे हमने मैरिनेट करके फ्राई करके रखा था उसे हमें ऐड करना है। तो हमने इसमें अपना पनीर ऐड कर दिया, पनीर को भी इसमें हमें अच्छे से मिला देना है। और हाँ दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसमें ये जब बॉयल होता है ना तो इसमें छींटे बहुत पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा छींटे। तो हमने इसमें पनीर ऐड कर दिया है। अब ऑलमोस्ट हमारी सब्जी तैयार है। बस गैस ऑफ करने से पहले हमें क्या करना है कि इसमें हमें 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर देना है। इससे स्वाद बहुत बढ़िया आएगा और खाने में तो क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस इसमें हमें घी ऐड करने के बाद इसे हमें बस गैस को ऑफ कर देना है और अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों बस तैयार है हमारा पालक पनीर। मैंने थोड़ा सा पनीर पहले ही बचा लिया था इसे गार्निशिंग करने के लिए। तो बस इस गार्निशिंग करने के बाद ये हमारा पालक पनीर एकदम पूरी तरह रेडी है खाने के लिए। अगर आपके मुंह में भी अभी पानी आ रहा है तो जैसे जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है अब वैसे स्टेप बाय स्टेप घर में इसे बनाएं और खाएं, और ये बहुत टेस्टी बनता है। आप इसे रोटी के साथ खाएं, तवे रोटी के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, या फिर चावल के साथ खाएं, जिसके साथ भी आपको मन हो, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो बस इसे ट्राई करें और खाएं। और जो मैं जाने से पहले हमेशा कहती हूँ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, और बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और फिर दोस्तों मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ।